Well, I hope you are able to see the word file and me both. Well, today we are going to discuss about the very important historian who had made a very significant contribution to the Maratha historiography. He has collected a lot of records and done a lot of work, and in fact prepared a lot of background for the historian related who are interested in the Maratha history. So, the period of Vishwanath Kashinath Rajwade is between 1863 to 1926, and he had started working during the period when the pride of the Indian people was provoked by the writing of the Western historian. Is there anybody from Hindi medium? You can put the message so that I can speak partly in Hindi as well. Otherwise, I'll Yes, continue. sir. Achha, okay. हाँ ओके फाइन फाइन देन बाइलिंगुअल। तो उन्होंने उस समय अपने लिखान की शुरुआत की थी जिस समय भारतीय लोगों का आत्मसम्मान जागृत होने लगा था, और जिस तरीके का लिखान ये साम्राज्यवादी इतिहासकार करते थे। हम लोगों ने साम्राज्यवादी इतिहासकारों के बारे में पढ़ा है कि भारतीय सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई थी, भारतीय लोगों में कोई आत्मसम्मान नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरीके के लिखान जब करते थे तो उसके विपरीत, उसको अपोज करने के लिए एक विचारधारा प्रवाहित होने लगी जिसको हम लोग राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं, नेशनलिस्टिक हिस्ट्री राइटिंग कहते हैं। तो राजवाड़े भी उसी कैटेगरी में आते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा से वो काफी प्रभावित थे। और जिस समय जैसे कि जेम्स कनिंगहम और ग्रैंड डफ जैसे ब्रिटिश, इनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियन कहा जाता है क्योंकि ये प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से ये कोई प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं थे। दे केम टू इंडिया एज टू वर्क फॉर फर्स्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन लेटर ऑन फॉर आफ्टर 1857 फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड दे हैव ऑब्जर्व इंडिया एंड दे टुक लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एंड मेनी ऑफ देम हैव डन अ वेरी गुड वर्क। बट नेवर द लेस दिस एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियन, उनका एक दृष्टिकोण होता था कि भारत की सभ्यता को थोड़ा सा हीन दृष्टिकोण से देखा जाए। तो उसके खिलाफ जो रिएक्शन हुई उसमें लोगों ने कई सारे साधन इकट्ठा करने शुरू कर दिए, एंड दैट इज द रीजन दिस देर इज इन हिस्ट्री दिस फेज इज कॉल्ड द एज ऑफ रिकॉर्ड्स। द हिस्टोरियन दे स्टार्टेड कलेक्टिंग लॉट ऑफ रिकॉर्ड, एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ही ऑल्सो बिलोंग टू दैट कैटेगरी हु कलेक्टेड लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर्ड अ काइंड ऑफ इडपीस, प्रिपेयर्ड अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड फॉर द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। सो लेट अस टॉक अबाउट हिज लाइफ। दे वेर फ्रॉम कोंकण बेसिकली, हिज फैमिली वॉज जोशी, बट एज दे वेर पैट्रोनाइज बाय द किंग सो दे केम, द फैमिली केम टू बी नोन एज राजवाड़े, राजवाड़े उनको कहा जाने लगा। एंड ये कोंकण से पुणे आए थे, फिर पुणे के डेक्कन कॉलेज में राजवाड़े ने सर्वप्रथम अपनी शिक्षा की, लेकिन आर्थिक कारणों से उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ समय उन्होंने मुंबई में भी पढ़ाई की, और वो पर्सनली भी बहुत एडामंट और अलग टाइप के व्यक्ति थे। राजवाड़े एक्सेप्शनली हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उनको किसी के साथ में एडजस्ट करना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था। जैसे कि वो कहते कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, मैं ये सब नहीं पढ़ना चाहता, बेकार की बातें हैं ये सब, आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स। समहाउ बी ए डिग्री उनको मिली, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वो कंप्लीट नहीं कर पाए। इंटरेस्टिंगली द पर्सन हैज नॉट कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन, बट वी आर स्टडिंग हिम इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीपल आर राइटिंग थीसिस ऑन हिम। दैट्स फाइन, डिग्री फॉर्मल डिग्री ही सब कुछ नहीं होती है। आप कितना मेहनत करते हैं और कितना ज्ञान आप अर्ज करते हैं मेहनत से, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बाद में उनकी शादी हो गई, और लेकिन उनके एक एक दो बच्चे हो गए, एक बच्चा पहले ही मर गया, मृत्यु हो गई उसकी, और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू द सेकंड चाइल्ड। एंड आफ्टर दैट दो ही वाज वेरी यंग, ही डिड नॉट थॉट अबाउट सेकंड मैरिज, बट ही डेडिकेटेड ऑल हिज लाइफ टू द कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल एंड राइटिंग एंड ट्राइंग टू पब्लिशिंग इट। जब वो स्कूल में थे या कॉलेजेस में थे, जैसे कि मैंने कहा कि उनको बहुत सारी बातें कहते थे, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है स्कूल कॉलेज का, मैं इससे इन लोगों से मैं ज्यादा जानता हूँ, टीचर से मेरे ये क्या मुझे पढ़ाएंगे, पढ़ के तो आते नहीं ठीक से। तो ही हैड दैट काइंड ऑफ एरोगेंस आल्सो। नेवरतheless वो पढ़ते बहुत थे, ये बात तो है। वेस्टर्न बहुत उन्होंने पढ़ रखा था, प्लाटो को पढ़ रखा था, और उनको वेस्टर्न आइडियाज से उनको काफी प्रभावित थे वो। लेकिन नेवरतheless उस समय जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि भारतीय लोगों में एक आत्मसम्मान जागृत होने लगा था, और उस आत्मसम्मान का एक आयाम ये भी था, वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इज दैट
ट्राइंग टू राइट इन ओवर ओन इंडियन लैंग्वेजेस. तो ये विष्णु शास्त्री चिपलुनकर एक उस समय पुणे में थे, उन्होंने एक काफी इंटरेस्टिंग जर्नल निकाला था, निबंध माला. तो राजवाड़े के ऊपर भी उनके विचारों का प्रभाव हो गया और वो काफी वेस्टर्न स्कॉलर्स को पढ़ चुके थे. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चिपलुनकर, ही हैज टेकन अ ओथ दैट आई विल राइट ओनली इन मराठी. और उसके बाद में उन्होंने अपना सारा लिखान मराठी में किया. लेकिन नेवरदलेस उनकी एक ये भी इच्छा होती थी कि नॉलेज इन ऑल दोज वेस्टर्न टेक्स्ट शुड बी मेड अवेलेबल टू द इंडियन पीपल. एंड दैट इज द रीजन ही स्टार्टेड हिज वर्क ऑफ ट्रांसलेशन. मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, ही हैज डन फिनोमिनल वर्क. तो प्लाटो जो ग्रीक फिलोसॉफर थे, उनकी जो किताब थी रिपब्लिक, उसको उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट किया. बाद में उन्होंने एक जर्नल की शुरुआत की, भाषांतर, 1894. और उसमें वो बहुत सारे जो वेस्टर्न ग्रीक, बाद में ऑफ कोर्स इंग्लिश में अवेलेबल जो टेक्स्ट थे, उसमें उन्होंने कई सारे ट्रांसलेशन पब्लिश किए. 15 ट्रांसलेशन किए, जिसमें वेरी वेल नोन जो ऑथर थे, जैसे प्लाटो का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिपब्लिक, बर्क, थॉमस पैन, प्लूटार्क, जॉन स्टुअर्ट मिल, बैकन, इवन अबुल फजल एंड फरिश्ता जो इंडिया के थे, दैट ऑल्सो ही ट्रांसलेटेड. जब ये राजवाड़े काम करने लगे थे, उसी समय ग्रैंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मराठास 1826 में, ये दो खंड तीन खंडों की किताब है जो बड़ी, वो पब्लिश हुई थी. एंड जो मराठा हिस्टोरियन थे, जो मतलब उस समय तो हिस्टोरियन एज अ क्लास इमर्ज नहीं हुआ था, लेकिन जो मराठा स्कॉलर धीरे धीरे इमर्ज होने लगे थे, दे वेर क्वाइट अपसेट विद द वे ही हैज रिटन. रानाडे जो थे, साने जो थे, दे थॉट दैट यू नो, बिकॉज मराठों का जो उत्थान था, मराठों ने जो अपना एम्पायर बनाया, पहले राज्य बनाया अंडर शिवाजी, एंड देन दे टर्न इट इनटू एन एम्पायर. ग्रैंड ऑफ हैज नॉट गिवन दिम वेरी रिस्पेक्टेबल ट्रीटमेंट. दे सेड कि इट इज यू नो काइंड ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट द सेंट्रल अथॉरिटी, द पीजेंट्स हु वेर नॉट हैप्पी, दे जस्ट यू नो रिवॉल्टेड अगेंस्ट दिस. सो दिस वॉज नॉट रियली अप्रिसिएटेड बाई मेनी मराठा स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम, एंड दैट इंक्लूडेड राजवाड़े. सो दे थॉट दैट यू नो वी शुड नॉट एक्सेप्ट वॉट एवर द वेस्टर्नर्स आर सेइंग, बट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर ओन हिस्ट्री. एंड दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू गो अराउंड एंड कलेक्ट लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सो यू नो ही वॉज अ पर्सन who could never stick to any particular job. He became teacher after acquiring his degree, but then he left that job. वो जो आपको उन्होंने छोड़ दिया, और अभी तो फैमिली भी नहीं थी, कोई वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, वो घूमते थे एक जगह से दूसरे जगह तक, बहुत घूमा उन्होंने. इवन ही वेंट अप टू अफगानिस्तान, एंड उनको पैसा कहाँ से आता था ये निश्चित पता भी नहीं था. वो माना जाता था कि जो छोटे छोटे राजे राजवाड़े थे, वो इनको कुछ पैसे दे देते थे. कोई ये भी मानता था कि जो रामदास स्वामी के शिष्य थे, उनकी जो उनकी परंपरा के, उनके मठ में जाके रुकते थे, उनसे पैसे लेते थे. बट नेवरदलेस दिस पर्सन हैज वर्क वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी. तो ये कई कई मीलों तक पैदल जाते थे. उनको अगर पता चला कि किसी पुराने सरदार के घर में कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, तो ही यूज टू वॉक टू दैट प्लेस, कभी बैलगाड़ी में बैठ के, और फिर अपने साथ में जो होता है ना, तो वो कोई थोड़ा ट्रेडिशन था उस समय कि किसी के भी हाथ का खाना वो नहीं खाते थे, तो अपना खाना खुद बनाते थे. तो खाना बनाने के लिए का जो सामान होता है, उसके साथ में बर्तन भी होते हैं, वो भी ले जाते थे. किसी धर्मशाला में रुकते थे, वहां जगह नहीं मिली तो किसी पेड़ के नीचे रुकते थे, तीन पत्थर इकट्ठा किए, वहां चूल्हा जलाया और अपना खाना बनाया और खाना खाया और काम पे लग गए. और कई बार लोग उनको कॉपरेट भी नहीं करते थे, किसी के घर में जाइए कह के, आपका तो घराना जो है, आपकी जो फैमिली है, दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, दे बिलोंग टू द सरदार फैमिली, तो यू मस्ट बी हैविंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, सो यू गिव इट टू अस. पीपल वर नॉट विलिंग टू ट्रस्ट हिम, एंड वो उनको कई बार लोग उनको ऐसे ही भगा देते थे. कुछ लोग देते भी थे तो कहते थे कि आपको ले जाने नहीं देंगे, आपको जो कुछ भी करना है तो यही बैठ के कीजिए. तो वही पर बैठ के उसकी कॉपी बनाते थे, जैसे कि वैसे कॉपी, फिर उसमें रिकॉर्ड करना कि वो कॉपी किसके घर में मिली, कहाँ पर मिली, और कॉपी किस तारीख को की है. ऐसे कर करके उन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड जमा किए, फिर सारे रिकॉर्ड को उन्होंने एडिटिंग किया और सारे रिकॉर्ड को उन्होंने पब्लिश करने की कोशिश की. और ऐसे करते करते उन्होंने मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, मराठी, ये मराठी टाइटल है उनका जो 22 वॉल्यूम पब्लिक जो जो ग्रंथ है, इन इंग्लिश इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज एज अ
सोर्सेस ऑफ मराठा हिस्ट्री ही पब्लिश इन 22 वॉल्यूम्स। ऑफ कोर्स वो जब तक जीवित थे पूरे वॉल्यूम नहीं प्रकाशित हुए थे, उनके मृत्यु के बाद में कुछ वॉल्यूम प्रकाशित हुए, बट लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स वाज पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ लाइफ टाइम। एंड यू नो ही वाज आफ्टर स्टडीइंग ही अंडरस्टूड दैट देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस इवन आउटसाइड इंडिया लाइक प्रेजेंट अफगानिस्तान, बिकॉज यू नो द मराठास दे क्लैश विद अहमद शाह अब्दाली द अफगान किंग, एंड देर आर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मराठा हिस्ट्री इन पोर्तुगल एट लिस्बॉन इन पैरिस एंड लंडन, बिकॉज यू नो ड्यूरिंग दोज टाइम द यूरोपियन कंपनीज दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया इंक्लूडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इन्होंने अपने रिकॉर्ड लिख के रखे थे, करस्पॉन्डेंस इनका हुआ था, सो विथ यू नो लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी इज कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड, सो दे यूज्ड टू करस्पॉन्ड देयर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एट इंग्लैंड, सो ड्यूरिंग दैट करस्पॉन्डेंस दे यूज्ड टू मेंशन अबाउट मराठास। एंड राजस्थान के लोगों के साथ में मराठों का संपर्क आया था, वहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ऑल दैट ही हैज स्टडीड ही हैज ट्रैवल टू लॉट मेनी प्लेसेस फॉर द कलेक्शन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। वेल देन यू नो ही यूज टू गेट वेरी एंग्री दैट देर आर पीपल हु आर इनहेरिटिंग द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ देर एंसेस, बट दे डोंट वॉन्ट टू हेल्प और डोंट वॉन्ट टू कीप द रिकॉर्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल ही गिव्स एग्जाम्पल ऑफ पटवर्धन सरदार। पटवर्धन जो थे वो पेशवा के समय में बहुत बड़े सरदार माने जाते थे, तो उनके जो वंशज थे उनको अपनी हिस्ट्री में कोई रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी जो प्रॉपर्टी मिली बाप दादाओं से वो प्रॉपर्टी लेने में केवल इंटरेस्ट था। तो राजवाड़ी इस बात को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि पटवर्धन के जो वंशज है वो अपने बाप दादाओं की हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं संभाल के रखते, जो हिस्टोरियन लिखना चाहते हैं उसके साथ में कॉपरेट नहीं करते हैं। लेकिन एक कोई दूसरा आदमी था हिस्टोरियन वासुदेव शास्त्री खरे, ही इज एक्चुअली इनफैक्ट वर्किंग फॉर टू मेंटेन द हिस्ट्री ऑफ पटवर्धन। तो कहते थे कि पटवर्धन की जो प्रॉपर्टी है सही में ये उनके बच्चों को नहीं, ये खरे को देनी चाहिए, बिकॉज खरे इज यू नो वासुदेव शास्त्री खरे इज अ पर्सन हु इज रियली वर्किंग हार्ड टू प्रिजर्व द हिस्ट्री ऑफ दिस पटवर्धन फैमिली। वेल तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया आपको कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज एंड यू नो व्हाट इज हिज मेजर एक्टिविटीज थ्रू आउट द लाइफ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन। तो ये तो मैंने आपको बताया मराठांच्या इतिहासाची साधने सोर्सेस ऑफ मराठा हिस्ट्री इन 22 वॉल्यूम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो एडिटेड सर्टन मैन्युस्क्रिप्ट लाइक यू नो देर वॉज अ संस्कृत टेक्स्ट राधा माधव विलास चंपू विच डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ शाहजी। इफ यू रिमेंबर दिस टेक्स्ट वॉज रेफर्ड टू वेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्टोग्राफी अंडर द मराठा पीरियड इन द फर्स्ट सेमिस्टर, एंड दिस वॉज रिटन बाय जयराम पिंडे एंड ही एडिटेड दिस टेक्स्ट एंड ही रोट अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन अराउंड 200 पेजेस। देन महिकावतीची बखर दिस ऑल्सो वी हैड रेफर्ड टू अर्लियर इन द फर्स्ट सेमिस्टर एंड दिस गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द माहिम एरिया एंड कोंकण। सो ही कंपाइल्ड दिस also wrote an introduction. Then Rajwade has written on number of topic and his writing is later on published in three volume Rajwade Lekh Sangraha, that is the collected writing of Rajwade. Then Bharatiya Vivaha Sansthecha Itihas, that is an independent text that he has written. Vivaha Sansthecha Itihas, history of the institution of marriage, how the marriages used to take place during the ancient time. Well, now out of this, of course, the most significant is this 22 volumes, a big volume that he collected a lot of sources and published it one after another. And he wrote introduction to the most of the volume. And that introductions are very important, which is known as Rajwadecha Prastavna, that is introductions of Rajwade. And in that Prastavna, he refers to the what those volumes are considered are containing. क्या क्या है उस वॉल्यूम में, कहाँ कहाँ से उन्होंने ये जो पेपर है लेटर से इकट्ठा किए, और साथ साथ में मराठ ये इतिहास के बारे में उनका जो दृष्टिकोण होता था वो भी उन्होंने इस इसमें डिस्क्राइब किया है। वेल दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वेल वेल दिस इज ऑलरेडी टोल्ड यू वेल अभी इसके बाद का जो डिस्क्रिप्शन है दैट टेल्स अबाउट कौन से वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन क्या जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम नंबर वन मराठांचे इतिहासाची साधने वॉल्यूम नंबर वन इट 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 इज हैविंग 304 डॉक्यूमेंट्स एंड इट थ्रोज इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द मराठा कैंपेन। फॉर एग्जाम्पल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द इंट्रोडक्शन इज हैविंग 127 पेजेस एंड इट टॉक्स अबाउट व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मराठा रिटन बाय ग्रैंड डफ
And the second volume, the introduction, it talks about Shakavali of Peshwe and Fateh Singh Bhosle. You know, Shakavali is the family chronicle. The third volume is also having an introduction, and in this third volume, he talks about the influence of Brahmendra Swami on the Maratha history. Volume fourth is, you know, he critically examine the concept of Maharashtra Dharma as explained by Mahadev Govinda Ranade and Rajaram Shastri Bhagwat. So this concept of Maharashtra Dharma we will be discussing later on. Sixth volume is a very, very long introduction, 98 pages, and in that he narrates what are the difficulties he faced during the collection and publication of the documents. Eighth volume is, you know, what are the difficulties he faced in the publication of the volume that he writes into that. So, you know, there is a long list. I am not going to go into so much of detail. You can read this. This is already uploaded on the Google Classroom. But you should remember that this Rajwade cha Prastavana, the introduction of Rajwade that he wrote for many of the volumes, not all out of 22, those introductions are very important. Then apart from that, he also wrote introduction to the two texts that he has edited, Radha Madhav Vilas Champu and Mahikavati Chibbakar. Then apart from that, he published the translation in Bhashantar. Now this I am going ahead. Well, another important of his work is that it's because of his effort, this Bharat Itihas Sanshodhak Mandal had started in Pune in 1910. If you remember Orientalist Historiography, we have talked about the foundation of the Asiatic Society of Bengal, and that institution has provided a lot of support for the researcher who wanted to do research on Indology. उसी तरीके से जब ये भारत इतिहास संशोधक मंडल पुणे में बना 1910 में तो इट बिकेम एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन वेयर लॉट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च बिगिन टू बी कैरिड आउट पेपर जर्नल उसका निकलने लगा उसमें लोग अपना पेपर पब्लिश करने लगे तो यू नो इट हैज गिवन लॉट ऑफ इनपुट्स इन टू द हिस्टोरिकल रिसर्च बाद में इन्हीं से इंस्पायर होके राजवाड़े एक मिनट एक इतिहास संशोधक मंडल धुले में बना राजवाड़े इतिहास संशोधक मंडल दैट वाज स्टार्टेड एट धुले अभी राजवाड़े का क्या व्यू था हिस्ट्री के बारे में वो हम अभी पढ़ेंगे उनके ऊपर रांके का इन्फ्लुएंस काफी था आपको अगर याद होगा लास्ट सेमेस्टर में हम लोग रांके के बारे में पढ़ चुके हैं ही वॉज द पायोनियर इन द पॉजिटिविज्म इन हिस्ट्री राइटिंग जर्मनी से थे वो और पॉजिटिविज्म का मतलब ये होता है कि आपको जो कुछ भी हिस्ट्री में लिखना है उसको आपको हाउ फार इट इज ट्रू यू हैव टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट एंड एज वेल एज एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंशन टू द सोर्सेस फ्रॉम वेयर यू फाइंड दैट इंफॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सो ये इनके ऊपर रांके के विचारों का काफी प्रभाव था and his vision of history is very broad. He believed that, you know, it's not only the political history that you should be knowing. It's very broad, all comprehensive dimension of history that he was aware of. So he described the account of all the activities is history. Then next, his important concept is to understand the spirit of the age. कोई भी एक जो समय होता है इतिहास में उस समय की एक विशेष विचारधारा होती है जो लोगों के मन को प्रभावित करती है उदाहरण के तौर पर यह मराठों का इतिहास का अध्ययन करते समय वो कहते हैं महाराष्ट्र धर्म की जो संकल्पना थी दैट वाज द स्पिरिट ऑफ द एज ऑफ महाराष्ट्र इन द 16th 17th सेंचुरी बिकॉज दैट हैज यूनिफाइड द पीपल लोगों को उसने इकट्ठा किया दे बिकेम मोर ऑर्गेनाइज एंड दैट फाइनली लेड टू द foundation of the Maratha kingdom which later on turned into the Maratha empire secondly he talks about the internal and external dimension of history external to hota hai jab bahar se dikhai deta hai ladaiyan hoti hai log samrajya banate hai log buildinge banate hai lekin internal dimension wo hota hai jo ki us samay ki vichardhara se logo ka man prabhavit hota hai and wo internal vichardhara ko ye spirit of the age kehte hai maharashtra dharma ke bare mein inhone kafi likhan kiya hai that he also calls as the yuga dharma the dharma the duty at a particular time and this his concept of maharashtra dharma is explained when he wrote an introduction to the Mahikavati Chibbakar well
टू डायमेंशन ऑफ हिस्ट्री ही कॉल्स टू डायमेंशन ऑफ हिस्ट्री, पहले भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसी को वो अलग शब्द यूज करते हैं, भौतिक एंड आत्मिक. भौतिक मीन्स समथिंग दैट इज फिजिकल, visible outside, and atmic means metaphysical, something that philosophically influences you. Because without the thought, nothing can come into existence. Anything that becomes concrete has to generate in the mind first. जो भी बात आपको सामने दिखाई देती है, उसका जन्म सबसे पहले आपके mind में होता है, आपके विचारों में होता है. Then he talks about perverted history. He says that कि अगर आप किसी खास उद्देश्य को prove करने के लिए इतिहास लिखते हैं और सच को इग्नोर कर देते हैं तो परवर्टेड हिस्ट्री है. और वो कहते हैं कि बहुत सारे यूरोपीय लोगों ने इस तरीके की परवर्टेड हिस्ट्री लिखी है बिकॉज दे वांटेड टू जस्टिफाई द रूल ऑफ द यूरोपियन पीपल ओवर द इंडियन पीपल, एंड ही कॉल्स इट एज अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडिस्ट हिस्ट्री. एंड इन दिस इंट्रोडक्शन ही ऑल्सो गिव्स सजेशन टू द हिस्टोरियन, हिस्टोरियन को सजेशन भी देते हैं कि कोई प्री कंसीव्ड ओपिनियन या प्री जुडिस को साथ में लेके हिस्ट्री को नहीं लिखना चाहिए. एडुकेट ऑथेंटिक सोर्स मटेरियल अगर आपके पास में नहीं है तो आपको हिस्ट्री लिखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. अगर हिस्टोरिकल नैरेटिव में कहीं गैप आपको मिलते हैं तो यू मस्ट यू नो क्लियरली ट्राई टू फिल अप द गैप, अदरवाइज यू कैन मेंशन इट, डोंट जस्ट यू नो इग्नोर इट. मराठा हिस्ट्री को ही डिवाइड इनटू द 11 ब्रांचेस, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स नॉट necessary that I should read it, but you know he tries to study all these different dimensions of Maratha history. Similarly, he divides the Maratha history into the different period. Before 1646, Marathas they were not very prominent except Yadavas and all. And from 1646 they started their struggle for independence. And Chhatrapati Shivaji dies in 1680. So you know that is a period when the under the leadership of Chhatrapati Shivaji Maratha became independent. Then 1680 to 1707, that is a period we will be studying Maratha history in the third semester. That is a period when the Marathas fought for their independence against the Mughal Emperor Aurangzeb. Then 1707 to 1731, establishment of Hindu Patpatshahi. You know, he says he definitely the rule of Maratha were inspired by the ideas of Hinduism. No doubt about it, he says. Then the power passes in the hands of the Brahmin Peshwa. So he says that 1731 to 1761, this is a period of the Brahmin Patshahi. Then 1761 to 1796, there were efforts to continuation of this Brahmin Patshahi. And 1796 to 1818, there was a decline, end of the Maratha Empire. And then after 1818, when the Marathas were decisively defeated by the British, there had been a degeneration of the Maratha nation. Well, and you know, based on his ideas, his studies of history and the trends in the world history, वो ये भी predict करते हैं कि by 1950, see he predicted it long back, 1907 में उन्होंने 1909 में उन्होंने ये बात को public predict की थी कि 1950 आते आते ब्रिटिशों की एम्पायर समाप्त हो जाएगी. एंड वी नो दैट 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. यू कैन अंडरस्टैंड इन व्हिच डायरेक्शन द लाइफ ऑफ द सिविलाइजेशन विल गो. वेल नाउ देयर आर सर्टेन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हिज वर्क. मेनी पीपल से दैट ही वाज नॉट अ हिस्टोरियन, सीरियस हिस्टोरियन, बट ही वाज कलेक्टर ऑफ द रिकॉर्ड्स. ही जस्ट कलेक्टेड द रिकॉर्ड एंड कैटलॉग इट एंड ट्राई टू पब्लिश इट. नेवरदलेस his work is very important. Secondly, he did not focus on history itself. He was a multidimensional. He studied linguistics, he studied Sanskrit, he studied Western countries literature, and he studied political science, he studied philosophy. And that is the reason it's also believed that probably had he contributed, focused entirely on history, probably he would have become a greater historian. And second thing is that had he published in English, अगर वो इंग्लिश में लिखते तो शायद वो वर्ल्ड फेमस होते. बट यू नो ही वाज अ पैट्रियोटिक, एंड मेनी टाइम्स दिस पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म इज कंसीडर्ड एज एन हिंडरेंस इन बिकमिंग नेशनलिस्टिक हिस्टोरी, बिकमिंग एन ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियन. आप निष्पक्ष तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि वो राष्ट्र प्रेम के विचारों से आपका मन प्रभावित हो जाता है. और राजवाड़े के ऊपर भी ये इल्जाम लगाया जाता है कि हिज माइंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द दोस काइंड ऑफ आइडियाज. उनके राइटिंग में जो शॉर्टकमिंग थी उसमें ये भी था कि पर्शियन स्क्रिप्ट वो पढ़ नहीं सकते थे, तो ही हैज टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स. एंड कई बार उनका जो डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट भी थोड़ा सा कभी कभार गलत हो जाता है. नेशनलिज्म मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इट वाज
बिलीव बाय हिज क्रिटिक, उसके क्रिटिक जो है वो बिलीव करते हैं कि वो नेशनलिस्ट थे, इसलिए वो हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव ट्रीट नहीं कर सकते हैं. बट नेवरदलेस ही वाज हिज कंट्रीब्यूशन इज फिनोमिनल. लाइक यू नो जदुनाथ सरकार उस समय के कंटेम्पररी हिस्टोरियन थे, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. ही वाज क्रिटिकल ऑफ राजवाड़े स्टाइल एट मेनी लेवल, बट नेवरदलेस ही यू नो ही प्रेज हिम. ही सेज दैट ही इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरर. And he was a kind of devotee of history who went around and collected such a huge source material which would have been otherwise lost to the posterity. And so this is a gist of this complete 25 pages note on Rajwade. This is a very detailed note which will be available to you. My lecture will be available to you. You can read it, and I hope you will be able to understand it.